हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। आईडीए ने 524 करोड़ का वर्ष 2021-2022 का बजट प्रस्तुत किया। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यूज। इंदौर विकास प्राधिकरण का अंततः 524 करोड़ का बजट प्रस्तुत हो गया है, जिसमें शहर में कई नई सौगात मिलने की भी प्रबल संभावना है। यही कारण है कि कई ऐसे निर्णय भी लिया गए हैं जो शहर हित में बेहतर है, और इस बजट में बहुत कुछ है। प्राधिकरण द्वारा आज लगभग 524 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें फ्लाईओवर से लेकर शहर भर में कई काम होने जा रहे हैं। आम और खास लोगों के लिए लाया, जिसमें कई तोहफे हैं। शहर के कई चौराहों पर होगा फ्लाईओवर का निर्माण। रेडिसन, भंवरकुआं, विजयनगर, आईटी पार्क, खजराना चौराहे पर होगा फ्लाईओवर का निर्माण। सुपर कॉरिडोर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। बहुउद्देशीय सड़कों और रिंग रोड का होगा निर्माण। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुमंजिला भवनों में फ्लैट्स का निर्माण होगा। आईएसबीटी बस स्टैंड के निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ का बजट। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलाई जाएगी केबल कार। केबल कार के लिए वित्तीय वर्ष में 0.75 करोड़ की राशि का प्रावधान। रिंग रोड पर शहीद पार्क का होगा निर्माण। 55 करोड़ की लागत से होगा सुपर कॉरिडोर का विकास। लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार के राशि स्वीकृत है। गौरतलब है कि काफी समय से बजट को लेकर चर्चाएं होती रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम नहीं हो पाया था, इसलिए अब कहीं जाकर बजट स्वीकृत हुआ है। विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ छोटे बड़े काम भी होना है, और शहर विकास में काफी अपनी अहम भूमिका निभाना का काम अब एक बार फिर से विकास प्राधिकरण करने जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लालबाग पैलेस के लिए भी विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए का बजट रखा है, जिससे कायाकल्प करेगा, और यह सब स्मार्ट सिटी योजना में नगर निगम के साथ मिलकर काम किया जाएगा। प्राधिकरण अफसरों का कहना है कि बजट के अनुसार काम होने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।